गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं मंगतुराम चौधरी, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा पाँच के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम गणित के अध्याय नंबर 4 वैदिक गणित का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वैदिक गणित के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक न्यून, एक अधिक, एक न्यूनन पूर्वेण, एक अधिकेन पूर्वेण, इनके बारे में आपको बताया था, और परम मित्र अंक का अंक किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था। परम मित्र अंक क्या होता है? परम मित्र अंक जिन दो अंकों का योग या दो संख्याओं का योग 10 हो जाए वो एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर एक है, 82 में से 54 घटाना है, संकेत के द्वारा हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम 2 में से 4 घटाएंगे, तो 2 में से 4 नहीं घट सकता है, तो इसी चीज़ को हमें इस संकेत में लिखना है बिंदु बना करके। तो पहला बिंदु हमारा बनेगा 2 में से 4 नहीं घटता, 2 में से 4 नहीं घटता, 2 में से 4 नहीं घटाया जा सकता है, अतः 4 के परम मित्र अंक 6, वह अंक 2 का योगफल, वह अंक 2 का योगफल बराबर 6 + 2 = 8 नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें 8 लिखना है। एक बार फिर से समझिए, 2 में से 4 नहीं घटाया जा सकता है, ये चीज़ हमें यहाँ दिख रही है कि 2 में से 4 नहीं घट सकता, तो इसलिए यही बात हमने यहाँ संकेत में लिखी है कि 2 में से 4 नहीं घट सकता है, अतः 4 के परम मित्र अंक, इस 4 का जो परम मित्र अंक है वो है 6, 4 के परम मित्र अंक 6, वह अंक 2, ये 2 है, इस इन दोनों का योग 6 + 2 = 8, इसको हम नीचे लिखेंगे। तो हमने यहाँ नीचे 8 लिख दिया है। दूसरा बिंदु जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए, दो के पूर्वांक 8 के नीचे, 2 के पूर्वांक 8 के नीचे 1 न्यून चिन्ह लगाएंगे, 1 न्यून चिन्ह लगाएंगे, 1 न्यून चिन्ह लगाएंगे, 2 के पूर्वांक 8 के नीचे 1 न्यून चिन्ह लगाएंगे। तो ये 2 है, इस 2 का पूर्वांक 8 है, और 8 के नीचे हम 1 न्यून चिन्ह लगा देंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यदि संख्या के ऊपर बिंदु लगा है तो वो एकाधिक चिन्ह कहलाता है, और यदि संख्या के नीचे बिंदु लगा है तो वो 1 न्यून चिन्ह कहलाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यदि हमें प्रश्न में 1 न्यून दे रखा है या 1 न्यून चिन्ह लगाना है तो संख्या के नीचे चिन्ह लगाएंगे, और यदि एकाधिक चिन्ह लगाना है तो संख्या के ऊपर चिन्ह लगाएंगे, इस बात पर ध्यान रखना है। आगे देखिए, तीसरा बिंदु जो बनेगा वो क्या बनेगा,
तीसरा बिंदु बनेगा, अब हमें इस आठ में से पाँच घटाना है, तो आठ के नीचे बिंदु लगाए तो यहाँ बिंदु लगाएंगे बराबर। जब बिंदु लग रहा है इसके नीचे तो इसमें एक कम हो जाएगा, यानी कि ये सात माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सात। अब हम यहाँ लिखेंगे सात में से, सात में से पांच घटाया, सात में से पांच घटाया बराबर सात माइनस पांच बराबर दो नीचे लिखेंगे। इस प्रकार हमारा सवाल हो गया, यहां हमने नीचे लिख दिया दो, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो। दूसरा क्वेश्चन है 66 में से 48 घटाना है, इसी सूत्र से, सूत्र है एक न्यूनेन पूर्वेण, इस सूत्र से घटाएंगे। जैसे सवाल हमने पिछला किया था इसी प्रकार ये सवाल हल करना है। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 8 है, तो 6 में से 8 नहीं घट सकता, इसलिए यहाँ कैसे क्या लिखेंगे, बिंदु एक में लिखेंगे 6 में से 6 में से 8 नहीं घटाया जा सकता है, 6 में से 8 नहीं घटाया जा सकता है, अतः 8 का परममित्र अंक, अतः 8 के परममित्र अंक 2 व अंक 6, अंक 6 का योगफल बराबर 2 प्लस 6 बराबर 8 नीचे लिखेंगे। इस प्रकार हमारा पहला बिंदु हो गया। दोबारा देखिए ध्यान से, 6 में से 8 नहीं घटता, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 6 में से 8 नहीं घटाया जा सकता है, अतः 8 के परम मित्र, ये जो 8 है इसका परम मित्र अंक है 2, 8 के परम मित्र अंक 2 व अंक 6, ये अंक ऊपर का 6 है, 6 का योगफल यानी जोड़कर 2 प्लस 6 को जोड़ा तो आया 8, उसको हम नीचे लिखेंगे, तो हमने यहाँ 8 नीचे लिख दिया। अब दूसरा बिंदु क्या बनेगा, इसका पूर्व अंक है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 के पूर्व अंक छह के नीचे एक न्यून चिन्ह लगाएंगे, बराबर इस प्रकार लगाना है, तो इस 6 के नीचे हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। तीसरा नंबर,
छः के पूर्वांक छः के नीचे एक न्यून चिन्ह लगाएंगे, ये हमारा दूसरा बिंदु है। तो दूसरा बिंदु हमारा बन रहा है ये जो छः है, इस छः का पूर्वांक, इस छः के पूर्वांक छः के नीचे, तो ये छः है, इसका पूर्वांक ये छः है, इसके नीचे हमने जो बिंदु लगा दिया ये एक न्यून चिन्ह होता है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, तीसरा बिंदु क्या बनेगा हमारा, इस छः में से हमको इस चार को घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे छः बराबर, क्योंकि इस छः के नीचे एक न्यून चिन्ह लगा है, तो जब ये आगे इसको हल करेंगे तो छः बराबर यहाँ हो जाएगा छः माइनस एक बराबर पाँच। क्यों? क्योंकि छः के नीचे एक बिंदु लगा है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था या पिछले सवाल में भी बताया था कि यदि संख्या के नीचे बिंदु लगा है तो उस संख्या में से एक कम कर दिया जाता है। तो छः में से एक कम करें, हम तो रह गया पाँच, पाँच में से चार घटाएं तो घट सकता है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे पाँच में से चार घटाया, पाँच में से चार घटाया बराबर पाँच माइनस चार बराबर एक नीचे लिखेंगे। इस प्रकार हमारा ये सवाल हो गया। तो यहाँ पर आएगा एक, क्वेश्चन नंबर तीन है, 74 में से 69 घटाना है, तो इसको हल करेंगे, चार में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो हम यहाँ बिंदु लिखेंगे चार में से 9 नहीं घटाया जा सकता है, चार में से 9 नहीं घटाया जा सकता है, अतः 9 का परममित्र अंक, 9 के परममित्र अंक एक, 9 का परममित्र अंक क्या होता है, एक, तो 9 का परममित्र अंक एक वे अंक चार का योगफल बराबर एक प्लस चार बराबर पाँच नीचे लिखेंगे। नीचे लिखने का मतलब है यहाँ पर लिखेंगे पाँच। दूसरा जो बिंदु बनेगा हमारा वो है ये जो चार है इसका पूर्वांक, सात के नीचे हम एक न्यून चिन्ह लगाएंगे, तो कैसे बनेगा बिंदु देखिए, चार के पूर्वांक सात के नीचे, चार के पूर्वांक सात के नीचे एक न्यूनेन चिन्ह लगाएंगे, जब एक न्यूनतम चिन्ह लगेगा तो सात इस प्रकार लगेगा। अब हम इसके नीचे एक न्यूनतम चिन्ह
लगा देंगे, लगा दिया। तीसरा जो बिंदु बनेगा वो बनेगा, इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसके एक न्यूनतम चिन्ह लगा दिया तो इसका मान रह गया 6, 7 के नीचे जब बिंदु लग रहा है, एक न्यूनतम का चिन्ह लग रहा है, तो इसका मान 7 नहीं, इसको 6 बोलेंगे हम, तो इसलिए इसके बराबर 6 लिख दिया है हमने। अब हम 6 में से 6 घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 6 में से 6 में से 6 घटाया, 6 में से 6 घटाया बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0। नीचे लिखेंगे इस प्रकार, यहाँ पर 0 आ जाएगी। इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल हो गया। आज के लिए इतना ही। आपको अगला जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।